हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसेट 2018 का जो पार्ट टू है, दैट इज ऑफ रीजनिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आपके 2018 में आए थे उनको डिस्कस किया था, और आज हम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस 2018 के अंदर पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जिन स्टूडेंट्स ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चेक करना है तो वो पार्ट वन को देख सकते हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हम बाय फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए, आपके पास में एक डायमंड टाइप शेप है, 3D, थ्री डायमेंशनल। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द अबव फिगर हैव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि जो आपकी ऊपर वाली फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको तीन ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और 3D है। दैट मींस कि अगर हम नीचे से इसको थोड़ा सा वो देखते हैं तो नीचे आपके पास में टू, मतलब नीचे आपकी डॉटेड में सेम शेप आपकी बन रही है जो आपकी ऊपर डार्क लाइन के अंदर बन रही है। दैट मींस कि इसकी बैक साइड में कितने ट्रायंगल्स हैं? टू ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास में ऊपर देखिए कितने ट्रायंगल्स हो गए हैं, ऊपर वाले लाइन में आपके पास में 5 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और नीचे सेम जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे होंगे। मींस 5 ट्रायंगल्स आपके हो गए अप और 5 ट्रायंगल्स आपके हो गए डाउन। उसके बाद में सेंटर के आप चेक करिए, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल आपके पास में 5 दिखाई दे रहे हैं। 5 आगे हैं तो 5 आपके क्या होंगे? पीछे भी होंगे, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड सेंटर? तो टोटल कितने हो गए आपके पास में? 20 ट्रायंगल्स। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द नंबर्स। एक आपके पास में पैटर्न दिया हुआ है, क्या पैटर्न गिवन है? 8, 6, 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेंशन है 6, उसके बाद है 10, 5 और 6 एंड देयर इज 11, 15, 7, 8 और 16, 13, 4, 8 और देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब हमारे पास रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो कई बार इस तरह से भी कैलकुलेशन आपकी हो जाती है, मींस हॉरिजॉन्टली भी कैलकुलेट हो रहा होता है, वर्टिकली भी। बट इन दिस क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे ये लाइन मेंशन है, दैट मींस कि आपने हॉरिजॉन्टली तो कैलकुलेट करना नहीं है, मतलब कि जो आपका पैटर्न है हॉरिजॉन्टल पैटर्न नहीं जाना है आपको, सिर्फ क्या चेक करना है? वर्टिकली ही लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इन तीन नंबर्स की हेल्प से हमारे पास में ये नंबर कैसे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ प्लस माइनस करते हैं तो हमें 6 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 8, 6, 14 में से 4 गए आपके पास 10, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा। 8, 4, 12 के अंदर से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो आपका 6 बनता है। मींस जो आपका फर्स्ट है और थर्ड है, इसके अंदर से जब आप सेकंड को माइनस कर रहे हो, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड, तो आपके पास में ये नंबर आ रहा है। बट सेम पैटर्न आपका नेक्स्ट जो आपका कॉलम है इसके अंदर भी यूज होना चाहिए। अब देखिए, वर्टिकली अगर हम इधर से देखते हैं तो फर्स्ट हमारे पास में क्या है? 10, थर्ड 6, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे आपके पास में 11 आ रहा है। दैट मींस कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो हम यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई 13, 13 प्लस 8, 21 के अंदर से जब आप 4 माइनस करोगे, जब आप 21 के अंदर से 4 माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 70। क्लियर है? तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ आ गया? क्या किया मैंने? फर्स्ट पे था हमारे पास 13 प्लस थर्ड पे था हमारे पास में 8, और माइनस क्या करना है आपको? 4। क्लियर, तो ये आपके पास में वैल्यू जो आ गई है वो है 17, तो 17 आपका करेक्ट। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक डाइस का कंसेप्ट बताती हूँ कि डाइस आपने कैसे करनी है, ठीक है। अगर आपके आपका डाइस बेस्ड क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन आता है, तो आप उसको बड़ा ही इजिली कर लेंगे। देखिए, डाइस के अंदर जो कंसेप्ट है वो क्या है? अगर आपके पास में 2 डाइस गिवन है, देखिए हमारे पास में 2 डाइस हैं,
एक डाइस ही होगी और एक और डाइस है आपके पास में। पूरा जो डाइस का कंसेप्ट है सिर्फ यहीं पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपके पास में कोई भी अगर वैल्यू दी हुई है, लाइक हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 एंड देयर इज 1 2 4, इस तरह से कुछ नंबर मेंशन है, नंबर है, सिंबल है, कुछ भी मेंशन हो सकता है। तो अब आप देखिए, अगर आपके दो नंबर या दो सिंबल मीन्स कि दो साइड्स के अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कॉमन है, अगर जैसे यहाँ पे है 1 2 और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है 1 2, दैट मीन्स क्या है कि आपके पास में जो वैल्यू है बची हुई, इसका रिमेनिंग क्या था 3 और इसका क्या था 4, दैट मीन्स 3 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है? बट अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ही वैल्यू जो है वो कॉमन है, बाकी की वैल्यूज कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे है 1 3 5, यहाँ पे है 1 2 6, क्लियर है? इस केस में आप क्या करोगे, अगर इस तरह से है तो आपने क्या करना, जो नंबर आपका कॉमन है लाइक इसके अंदर 1 है, वहां से आप क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दोगे। अगर क्लॉकवाइज जाना है तो दोनों डाइसेस में आपने क्लॉकवाइज ही जाना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। देखिए कैसे, जैसे 1 है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। अब 1 से हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, क्या आ रहा है 3 देन 5। अब इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, 1 1 से आपने जैसे क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज गए आप तो क्या आ गया 2, फिर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो 6, दैट मींस 2 3 के अपोजिट क्या है आपका 2 एंड 5 के अपोजिट क्या है 6 और जो आपका रिमेनिंग नंबर बच गया वो क्या है 1 के अपोजिट। बस ये दो बेसिक रूल्स हैं आपके डाइस के और इन रूल्स के ऊपर आपका सारा का सारा डाइस का कंसेप्ट बेस्ड है। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन करते हैं, अब आप खुद बताएंगे कि इसके अंदर क्या बनेंगे। देखिए, अब हमारे जो फर्स्ट 2 डाइसेस हैं, फर्स्ट 2 को अगर आप देखते हो तो ये देखिए हमारे पास में एक लाइन है और एक डोस के ऊपर क्या बना हुआ है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे आपके पास लाइन है, देन सिंगल डॉट है और फिर 2 डॉट्स हैं, उसके बाद अगेन लाइन है, 2 डॉट्स हैं आपके पास में और क्या है 3 डॉट्स हैं। क्लियर? अगर हम इन दोनों डाइसेस को देखते हैं तो उसमें देखिए लाइन और 2 डॉट्स आपके कॉमन है, दैट मीन्स 1 डॉट के सामने क्या आएगा आपके पास में 3 डॉट्स आएंगे। ये क्लियर है? 1 के सामने 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा 3 होगा। अगर हम सेकंड या थर्ड को देखते हैं, सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो हमारे पास में क्या बना हुआ है, ये आपका सेकंड है, मान लीजिए एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, 3 डॉट्स बने हुए हैं, उसके बाद में 4 डॉट्स हैं और यहाँ पे ऊपर है आपके पास में लाइन। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके पास में 3 डॉट्स ये हैं और लाइन कॉमन है, मीन्स 2 के अपोजिट क्या जाएगा आपका 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट को भी देखते हैं तो हमारे नेक्स्ट के अंदर दूसरे वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्या है आपके पास में, हाँ जी अगर नेक्स्ट को देखते हो तो सेकंड और फोर्थ के अंदर देखिए 2 है आपके पास में, 2 से जब आप अपोजिट जाएंगे तो हमारे पास में लाइन के अपोजिट क्या आ गया, क्रॉस आ गया, जो आपकी लाइन है लाइन के अपोजिट क्या आ गया है, क्रॉस आ गया। क्लियर? हाँ जी, अब हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, 1 के अपोजिट क्या है आपका 3, 2 डॉट्स के अपोजिट कितने डॉट्स हैं 4 डॉट्स, एंड लाइन के अपोजिट क्या है आपके पास में क्रॉस है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेनिंग ए सिंगल डॉट, सिंगल डॉट, सिंगल डॉट के अपोजिट क्या है हमारा 3, तो आंसर क्या आ गया बी 3 डॉट्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू कंटेनिंग 2 डॉट्स, 2 डॉट्स के अपोजिट क्या है, हाँ जी 2 डॉट्स के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा 4, दैट मींस आंसर क्या आ गया आपके पास
सी। थर्ड देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट क्या है, लाइन, दैट मीन्स ऑप्शन सी। देखिए तीन क्वेश्चन कितने इजीली हो गए आपके, ठीक है, 7.5 मार्क्स आपके फ्री के हैं। तो डाइस जो है आपको समझ आ गया, डाइस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक मिनट में कर लेंगे। मिश्रा दो कंसेप्ट है कि हाँ जी अगर आपके पास में दो सिंबल्स कॉमन है तो जो थर्ड है दैट विल बी अपोजिट, और अगर आपके पास में सिंगल सिंबल कॉमन है तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, उससे हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है आपकी, तो किसी भी ना पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड का कोड दिया हुआ होता है, ठीक है, आपने उस कोड को अपने माइंड में ब्रेक करना है कि क्या लॉजिक यूज कर रखा है, और उसी लॉजिक को माइंड में रख के जो उन्होंने नया वर्ड दे रखा है उसका कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, इफ एल एस जे एक्स, एल एस जे एक्स वी सी, वी सी इज कोड फॉर मुंबई, इज कोड फॉर, दिस इज द कोड, किसका कोड है ये, मुंबई का, दिस इज द कोड फॉर बी ए आई, ठीक है जी। देन व्हाट इज द कोड फॉर दिल्ली। अब यहाँ पे आप देखिए कि लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक क्या लग रहा है आपका, देखिए एम कितने पे आपका आता है, 13 पे, एल 12 पे, दैट मीन्स क्या हो रहा है, माइनस, U आपका है 21 और S 19, दैट मीन्स क्या हो रहा है, माइनस 2। अब देखिए M 13, J 10, दैट मीन्स माइनस 3, क्लियर। इसी तरह से B 2, ये 24, दैट मीन्स क्या हो रहा है, माइनस 4, अगेन माइनस 5 एंड माइनस, यही लॉजिक जा रहा है आपका, हमें लॉजिक मिल गया। लॉजिक क्या है हमारा कि हर बार क्या हो रहा है, वन वन पहले वन माइनस हो रहा है, फिर टू माइनस हो रहा है, देन थ्री माइनस हो रहा है। अब यही सेम लॉजिक आपको किस पे लगाना है, दिल्ली पे लगाना है। क्लियर गाइस? अब देखिए डी की पोजीशन क्या है, 4, ई 5, एल 12, एच 8 एंड आई 9, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, वन माइनस करना है, फोर में से वन आपका माइनस हुआ थ्री, थ्री पे क्या आता है, सी, इसमें से क्या करना है आपको, माइनस टू करना है, फाइव में से आपका टू गया कितना हो गया, थ्री, थ्री पे क्या आता है आपका, सी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, माइनस थ्री क्या आ गया आपका, नाइन, नाइन पे क्या आता है आपका, आई, एट, एट माइनस फोर, फोर, फोर्थ पोजिशन पे क्या होता है आपका, डी, माइनस फाइव, नाइन माइनस फाइव फोर, फोर पे क्या है, डी। अब देखिए सी सी आई डी डी, हाँ जी कौन सा ऑप्शन है, सी सी आई डी डी दिखाई दे रहा है हमें सामने, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी देखिए आगे हमारे पास एक पजल है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलोस। तो पहले हम पजल को करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो बेस्ड है हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए क्या है, द प्लान ऑफ ए ऑफिस ब्लॉक फॉर सिक्स ऑफिसर्स ए बी सी डी ई एफ इज एज फॉलोस। सिक्स ऑफिसर्स है, उनका एक प्लान है, क्या है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेस टू द राइट ऑफ कॉरिडोर। अब देखिए कॉरिडोर है, आपने इस तरह से देखना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम जाते हैं, सामने कॉरिडोर आ रहा है, ठीक है, ये आपका कॉरिडोर है, क्लियर। अब आप कॉरिडोर के अंदर जब आप एंटर कर रहे हो तो क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई द ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन एंटर द ऑफिस ब्लॉक। जब हम ऑफिस के अंदर ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं तो बी और सी किस साइड है, राइट में। अब हमारा राइट क्या है, इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का ऑफिस कहाँ है, राइट में।
इसके साथ में मैं स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, जो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन है वो हम बाद में लिखेंगे, अभी जैसे जैसे उसमें मेंशन है वैसे वैसे लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, मीन्स ए की पोजिशन क्या है, कहीं इधर है हमारी, हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, लेफ्ट में है। अब कह रहा है ई एंड एफ ऑक्यूपाइज ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड, अब इसको हम साइड में लिख लेंगे कि ई और एफ का जो है अपोजिट साइड में है बट आमने सामने नहीं है, मीन्स ये आपका इस तरह से हो सकता है कि एफ यहाँ पे हो, यहाँ पे ई के सामने कोई और, क्लियर है, हाँ जी। बाद में है आपका बट देयर ऑफिसेज डू नॉट फेस ईच अदर, द ऑफिस ऑफ सी एंड डी फेसेस ईच अदर, सी और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर सी इधर है दैट मींस कि डी कहाँ है हमारा, इधर है, क्लियर, हाँ जी। द ई डज नॉट हैव ए कॉर्नर ऑफिस, ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है, ई का ऑफिस कॉर्नर में नहीं है मींस ई का ऑफिस या तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब ई कहाँ पे आएगा आपका, सेंटर में आएगा, ठीक है। तो जो ई है वो कहाँ पे आएगा आपका, सेंटर में आएगा, यहाँ से हमें ये पता चल गया। उसके बाद में है एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एज, ए जहाँ पे है उधर से है आपका एफ का ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ को अगर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो हम ई को तो यहाँ नहीं कर सकते, ई को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड में लिखोगे आप, ई को अपोजिट साइड में आपने बताना है, उसने कहा है कि ई अपोजिट साइड में है बट आमने सामने नहीं है, तो ई आपका यहाँ पे आ गया। अगर एफ इस साइड है तो ई इस साइड आएगा और आएगा कहाँ, सेंटर में, तो ये आपकी पोजिशन ई की फिक्स हो गई है, ई की पोजिशन आपकी फिक्स है। अब देखिए क्या है, जो ए है, जो आपका सी और डी, सी और डी क्या कहा था उसने, आमने सामने है और ए पहले आएगा, दैट मीन्स कि जो ए है ए यहाँ पे आएगा आपका और डी यहाँ आएगा, अगर डी यहाँ पे है तो सी कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ चला गया, ये जो मैं सर्कल में कर रही है इनकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब बच गया क्या आपके पास में, बी, तो बी आपका कहाँ जाएगा, तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या बन गई है, ये आपका कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर के इस साइड है एफ ए डी और यहाँ पे है आपके पास में बी ई एंड सी, क्लियर गाइस। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस टू द कॉरिडोर, जो ई है आपके ऑफिस में बैठा है, ठीक है, और उसका फेस किधर है, कॉरिडोर की तरफ, मीन्स अगर वो फेस इस साइड करता है तो उस साइड में क्या होगा, उसका राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और उसका लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये पॉइंट क्लियर है। अब कह रहा है कि इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू द लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है, हाँ जी किसका ऑफिस दिखाई दे रहा है हमें, सी का ऑफिस है, दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, Who is F's immediate neighbor? F आपका यहाँ पे है, F का immediate neighbor आपको दिखाई दे रहा है, कौन है, A है, that means A is the immediate neighbor. Clear है, तो first option आपकी correct हो जाएगी। तो बढ़ते हैं next question की तरफ, next question देखिए आपका inequality पे based है, inequality पे, if pen is less than pencil, if pen is less than pencil and pencil is less than book, this is the pencil and this pencil is less than book, अब आपका book का comparison दे रखा, book is greater than cap, book is greater than cap, clear है। अब यहाँ पे आपके पास में है then which one of the following is always true, pen is greater than कैप, ये पेन है आपका, पेन से आपको कैप की तरफ बढ़ना है, ठीक है, जब आप पेन से कैप की तरफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेन इज लेस देन पेंसिल, लेस देन, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में आपको एक मैं छोटा सा रूल बताती हूँ, अगर वो आप रूल फॉलो करते हैं तो उस केस में क्या है आपका जो सारे के सारे कंसेप्ट आपके इनइक्वालिटी के क्लियर हो जाएंगे। आपने सिंबल देखना जिनका आपका कंपैरिजन दिया हुआ है, आपका जो कंपैरिजन है यहाँ पे गिवन है, किनका कंपैरिजन पूछा है, पेन और कैप का,
बड़ी। अगर आपके सारे सिंबल्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है आपका हमेशा रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए जब आप पेन से कैप की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेस देन और फिर क्या आ रहा है ग्रेटर देन, दैट मींस क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो गई है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं पेन इज लेस देन बुक, पेन इज लेस देन बुक। अब पेन से हम बुक की तरफ बढ़ते हैं, पेन इज लेस देन पेंसिल इज लेस देन बुक मीन्स सभी के सभी सिंबल्स कहाँ जा रहे हैं सी साइड जा रहे हैं, दैट मीन्स ये आपकी सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या है पेन इज लेस देन बुक, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे तो आंसर आपके पास में आ गया बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए थर्ड भी देख लेते हैं। पेंसिल इज ग्रेटर देन सॉरी पेंसिल इज इक्वल टू कैप, यहाँ पे आपकी पेंसिल है यहाँ पे कैप है, इक्वल टू का तो सिंबल है ही नहीं, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप, पेंसिल इज ग्रेटर देन कैप, यहाँ पे आपके पास में लेस देन है यहाँ पे ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन आपके पास में पजल आ गई है तो पजल देखते हैं क्या है। जब भी आप पजल बनाते हो तो उस टाइम पे आपने ध्यान देना है कि जब आप उसको रीड कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप ठीक है, तो जो जो भी उसने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए होते हैं उनको आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहो। उसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको बार बार पजल को रीड नहीं करना पड़ेगा ठीक है। अब बार बार रीड करने में भी आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप क्या करेंगे जो जो भी छोटे छोटे उन्होंने लॉजिक्स दिए हुए होते हैं उन क्लूज को आप नोट डाउन करते जाओगे ठीक है। अब हम करते हैं ए बी एंड सी आर स्टूडेंट्स, क्या है फोर स्टूडेंट्स है ए बी सी, एक को तो आपने सीरियल वाइज ही रखना है ठीक है। अब चलिए आप स्टूडेंट्स के नेम को रख लीजिए या सिटीज को रख लीजिए, तो हम ऐसा करते हैं नेम को रख रहे हैं। हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले है नेम, नेम कौन कौन से है हमारे पास में ए बी सी, ए बी सी एंड डी आर द स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग इन फोर डिफरेंट सिटीज, फोर डिफरेंट सिटीज के अंदर क्या कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ए किसमें है बी का जो सिटी है वो कौन सा है, बट सिटीज के आपके पास में नेम गिवन है, क्या नेम गिवन है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे आप लिखोगे पी क्यू आर एस, हमें सीरियल नहीं पता। उसके बाद में है दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज आर्ट्स कॉलेज, मीन्स उनका कॉलेज जो है वो फाइंड आउट करना है आपने, साइंस आर्ट्स और कौन सा है कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग ठीक है। अब उसके बाद में गिवन है विच आर सिचुएटेड इन फोर डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स भी गिवन है आपके पास में, तो फोर्थ जो आपके पास में पॉइंट है दैट इज स्टेट्स, एंड स्टेट्स आर गुजरात राजस्थान असम एंड केरला, गुजरात राजस्थान असम एंड केरला, मैं आपके शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, क्लूज को आपने थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। उसके बाद में देखते हैं क्या कह रहा है, तो डी इज स्टडिंग इन असम, डी जो है वो कहाँ पे स्टडी कर रहा है असम में कर रहा है, डी कहाँ है आपका असम में। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिखोगे असम के अंदर वो स्टडी कर रहा है कौन, क्लियर। अब यहाँ से आपका जो असम है वो कैंसिल आउट हो गया। अब है आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस, अब यहाँ पे देखिए एबीसी का तो नाम नहीं आ रहा, उसने क्या कहा आर्ट्स कॉलेज। अब मैंने कहा जो भी क्लूज आपके पास में गिवन है उनको आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाएंगे, तो आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस, सिटी हम पहले लिख रहे थे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी एस, विच इज इन राजस्थान, विच इज इन राजस्थान, क्लियर है। अब यहाँ पे ये हमने क्लू नोट डाउन कर लिया है, आगे देखिए क्या है ए इज स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, ए इज स्टडी इन कॉमर्स, कॉमर्स कॉलेज, बी इज स्टडी इन क्यू सिटी, बी इज स्टडी इन क्यू सिटी। अब देखिए आगे है साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, तो साइंस कॉलेज जो है वो कहाँ पे है केरला में है, क्लियर। अब देखिए इन दोनों क्लूज को हमें इसके अंदर फिट करना है, कैसे करोगे। अब जो फर्स्ट लाइन है आपकी ए वाली,
अब हमें एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर हम इन तीनों को फिट कर सके, किसको, एस आर्ट एंड राजस्थान, मींस कि हमें ये तीनों स्पेस जो है ब्लैंक चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में असम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉमर्स है, तो कहाँ पे आपके पास स्पेस है, सी के साथ में है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी के साथ में इसको लिख दोगे, तो ये हो गया एस आर्ट्स एंड राजस्थान, यहां से आपका राजस्थान भी कैंसिल आउट हो गया। अब है साइंस कॉलेज इन केरला। अब यहाँ पे देखिए जो साइंस का कॉलेज है वो कहाँ पे है, केरला में। अब यहाँ पे हम केरला नहीं है तो यहाँ पे हम साइंस नहीं लिख सकते, यहाँ पे कॉमर्स है तो यहाँ पे हम केरला नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा साइंस कॉलेज इज इन केरला, दैट मीन्स जो आपके पास में स्टेट बच गया दैट इज गुजरात, तो गुजरात आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और आपके पास में स्ट्रीम कौन सी बच गई है, इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर है। अब हमारे पास में ये दो स्पेस बच गए, क्या हो और एस आपका हो गया है, क्या रह गया, पी और आर, और पी और आर से रिलेटेड इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि पी को हम कहाँ पे प्लेस करें और आर को कहाँ करें, तो हम यहाँ पे दोनों लिख देंगे पी एंड आर, यहाँ पे भी हम लिखेंगे पी एंड आर, क्लियर। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ जी देखिए क्वेश्चन 43 कह रहा है कि ए इज स्टडी इन कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, और गुजरात कौन सी ऑप्शन है आपकी, बी, आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। देखिए जो पजल है कितना इजीली हमने इसको पहले बनाया है, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको हम कर रहे हैं, अगर एक बार आपकी पजल बन जाती है तो क्वेश्चंस में तो आपके विद इन सेकंड्स आपके क्वेश्चंस हो जाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देखिए क्या है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, और अगर सिटी की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे है, क्यों, और ये कौन सी ऑप्शन आपकी, फर्स्ट ऑप्शन है सिटी क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में, दैट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, D is not studying in city S, तो देखिए D जो है वो S में स्टडी नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है, तो A ऑप्शन आपकी सही है। फिर भी अभी मैं देखने के एक बार आप लोगों को समझाने के लिए सेकंड ऑप्शन भी डिस्कस कर लेती हूँ। सेकंड ऑप्शन क्या है, A is studying in science college, जो आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, A is studying in science college, A is in commerce, that means this is wrong, A is studying in Kerala, A is studying in Gujarat, that means this statement is again wrong, engineering college is located in Gujarat, engineering college is in Assam, not in Gujarat, that means this is again wrong हो गया आपका, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, फर्स्ट, D is not studying in city S, क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से रिगार्डिंग है, कह रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, सी इज स्टडिंग देयर, नो, सी इज, डी इज स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज स्टडिंग देयर, नो, डी इज स्टडिंग, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, इट इज लोकेटेड इन गुजरात, नो, इट इज लोकेटेड इन आसाम, ये भी गलत है, D is studying there, ये बिल्कुल सही है, that means D option is the correct option. Next देखिए, which one of the following statement is correct? कौन सी statement correct है? Engineering college is located in Assam. Engineering college is located in Assam, बिल्कुल सही है, आपका A option. बाकी भी देख लेते हैं, वैसे तो आंसर आपका स्टार्टिंग में ही मिल गया है हमें, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, सिटी क्यों इज सिचुएटेड इन असम, क्यों इज सिचुएटेड इन असम, रॉन्ग, सी इज स्टडिंग इन केरला, रॉन्ग, बी स्टडिंग इन गुजरात, रॉन्ग, दैट मींस कौन सा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन असम, क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज बेस्ड,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो. 4, 12, 95 सीक्वेंस क्या है आपके पास में? 4, 12, 95 देन नेक्स्ट है आपके पास में 1, 1, 96 अगेन 29, 1, 96 26, 2, 96 और उसके बाद में बता रहा कह रहा है कि बताइए नेक्स्ट टर्म क्या होगी. अब यहाँ पे क्या है आपके पास में डेट्स गिवन है, ठीक है. अब हमें देखना है सबसे पहले क्या देखते हैं, जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास में डिफरेंस कितना है. पहले डिफरेंस देखेंगे, डेट में तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही है, पहले डेट का देखेंगे फिर मंथ का एंड देन फिर ईयर का. अब यहाँ पे देखिए 4, 12, 95 मीन्स कि जो आपका लास्ट मंथ है दिसंबर, दिसंबर मंथ का आपका फोर्थ डेट की बात कर रहा है. फोर्थ के बाद में 1 जनवरी 96 मीन्स कितने दिनों का गैप है. अब यहाँ पे देखिए जो दिसंबर है दैट इज ऑफ 31 डेज, तो जब फोर्थ से हम 31 डेज पे जा रहे हैं तो ये आपके पास में कितने डेज आ गए यहाँ पे. हाँ जी कितने आ गए, 70 डेज ये हो गए आपके किसके, दिसंबर के. क्लियर, 70 डेज ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट 4 जनवरी, तो जो टोटल गैप है वो कितने दिनों का है, 18 डेज का है. क्लियर. अब आगे देखिए, सॉरी 27 डेज ऑफ दिसंबर, क्योंकि 4th से 31st दिसंबर तक जाना अपने, 34th दिसंबर से 31st दिसंबर तक जाना है, तो कितने दिन हो गए, 27 डेज हो गए आपके, ठीक है. अब यहाँ पे 28 डेज का गैप है. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, 1st जनवरी से 29 जनवरी कितना हो गया, अगेन आपका 28 डेज का गैप है. यहाँ पे देखिए 29th जैन से 26 फेब, अब देखिए 29 जैन अगेन आपका 31 डेज तक होता है, तो 3 डेज तो ये हो गया आपके पास में, ठीक है. और यहाँ पे 26 तक जाना आपने, क्लियर, तो यहाँ पे अगेन आपके पास में कितना हो गया, 28 डेज. क्लियर. अब यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, इससे नेक्स्ट 28 डेज का गैप डाल. अब फरवरी की बात कर रहा हूँ, फरवरी 96. अब हमें ये देखना है कि फरवरी जो है कई बार कब होती है, 28 डेज की होती है, और कई बार क्या होती है, 29 डेज की. अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिस इज लीप ईयर और नॉट. आप ईयर देखिए क्या है आपका, 96. इफ योर ईयर इज डिविजिबल बाय 4 दैट मीन्स दिस इज ए लीप ईयर, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 दैट मीन्स इट इज नॉट ए लीप ईयर. अब यहाँ पे देखिए 96 इज डिविजिबल बाय 4 दैट मीन्स दिस इज ए लीप ईयर, मीन्स यहाँ पे आपके कितने डेज हो गए हैं. हाँ जी कितने डेज हो गए आपके, 29 डेज हो गए. तो 29 में से 26 माइनस करेंगे, 3 डेज तो आपके यहाँ से आ गए, ठीक है. अब हमें कहाँ कितने बनाने, मार्च के अंदर जाएंगे हम, फरवरी के बाद बाद क्या आएगा आपका, मार्च आएगा, और मार्च के कितने डेज और चाहिए मुझे, 25. दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड क्या है, 25th मार्च 96. तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, 25th मार्च 96. क्लियर, बिल्कुल इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी देखिए, यहाँ पे आपके पास में कुछ फिगर्स दी हुई है. कंसीडर द फिगर्स गिवन बिलो, ठीक है. टू फिट द क्वेश्चन मार्क द करेक्ट आंसर इज. अब फर्स्ट फिगर में देखिए आप क्या हो रहा है आपके पास में, एक सर्कल है, ठीक है, और सिंबल क्या है, इस तरह का सिंबल है, और दो आपकी इस तरह से लेग्स बने हुए हैं. उसके बाद में सिंबल क्या है आपका, रेक्टेंगल है, और इसके बाद में आपकी 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, और जो तीसरा है उसमें क्या है, सिंबल एरो है, और आपके पास में इस तरह से जा रहे हैं. क्लियर. अब जो दूसरी लाइन में जा रहे हैं हम, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, लाइन, लाइन के साथ में रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपके कितने हो गए, देन एरो, और इसके साथ में आपके जा रहे हैं 2 लाइंस, देन
कर्व और यहाँ पे आपके पास में थ्री, क्लियर। हाँ जी देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट के अंदर अगेन आ गया आपके पास में कर्व, कर्व पे आपके पास में कितनी लाइंस जा रही है, थ्री। उसके बाद ये वाला कर्व है आपका और यहाँ पे आपके पास में क्या है, सर्कल, और क्या जा रहा है आपके पास में, फोर एरो जा रहे हैं। अब रह क्या गया, अब देखिए हर एक फिगर में हमारे पास में तीन चीजें हैं, एक आपके पास में एरो है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक आपके पास में जो है एल शेप है, और साथ में सिंबल्स क्या है, एक पे आपके पास में डॉट है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस फिगर के अंदर हमारे पास में, हाँ जी, जो इधर इसकी लेग्स हम फाइंड आउट करते हैं, थ्री आ गई है, फोर आ गई है, तो क्या आनी चाहिए आपकी, टू लेग्स आनी चाहिए, और आपकी जो चार ऑप्शन है सभी के अंदर टू लेग्स है, दैट मीन्स क्या है कि अभी हमें आगे देखना है। अब देखिए लेग्स का फाइंड आउट हो गया, लेग्स जो है सारी की सारी किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, मीन्स एक तो ये बनेगा आपका, क्लियर है, ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद में क्या है, अब दोनों कर्व्स आपके आ गए हैं, अब बस गया क्या है, स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स कि क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि इनका जो स्टार्टिंग हो रही है वो एरो से है, सर्कल से है या फिर स्क्वायर से है। अब यहाँ पे देखिए आपका एरो भी आ गया है, सर्कल भी आ गया, तो क्या रिमेनिंग है आपका, स्क्वायर रिमेनिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर रखा है इन्होंने इस तरह से, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक क्या है, रेक्टेंगल बना हुआ आपके पास में, एक स्क्वायर, जब नेक्स्ट पे जा रहा है तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये जो आपका है ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, यही शेप आ रही है, देखिए कि दूसरे के अंदर ये रेक्टेंगल आपका इसमें चला गया, ये इस, क्लियर। नेक्स्ट अगेन आपका ऐसे ही मूव कर रहा है और ये आपका यहाँ पे आ गया और ये आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद अगेन ये ऐसे ही मूव कर रहा है, ये आपका कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, और आपका जो रेक्टेंगल है वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। अगेन आप फिर मूव करोगे, ये आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और रेक्टेंगल आपके पास में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद में अगेन मूव कर रहा है, ये आपका यहाँ पे आ गया और जो रेक्टेंगल है अगेन सेम के अंदर आ गया, फिर मूव करेगा ये, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका जो रेक्टेंगल है ये इधर चला जाएगा और जो आपका ट्राइंगल है ये मूव करके इधर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह की शेप कौन सी बन रही है, यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल है और यहाँ पे आपके पास में रेक्टेंगल है, तो ये आपकी है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी, क्लियर। हाँ जी, लास्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी एंड हर ब्रदर, अगेन आपके पास में एक सिंपल सी पजल है, लक्ष्मी एंड हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर प्लेइंग बैडमिंटन प्लेयर्स, कौन है, एक लक्ष्मी है, ठीक है जी, एक लक्ष्मी का ब्रदर है, एक लक्ष्मी का की डॉटर है और लक्ष्मी का सन है, ये फोर है और ऑल दीज आर प्लेयर्स, एक गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगन, एक गेम इनका शुरू होना है, लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली क्रॉस द नेट, ये आपका नेट है मान लीजिए, क्लियर, यहाँ पे है लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली क्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर, यहाँ पे लक्ष्मी का ब्रदर है और यहाँ पे लक्ष्मी की डॉटर है, डायरेक्टली क्रॉस कह रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है हर सन इज डायगनली क्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग, अब हर सन, अब जो उसका सन है वो डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है, अब हमारे पास में दो केस बन रहे हैं कि डायरेक्टली या तो यहां से जाएगा या फिर यहां से जाएगा, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट केस है यहाँ पे हम उसके सन को बिठा लेते हैं, दूसरा हम उसके सन को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या, हर सन इज डायरेक्टली क्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग, जो वर्स्ट प्लेयर है उसका बहन या भाई जो है, ठीक है, उसके साथ में डायरेक्टली क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए जो इसका सन है डायरेक्टली क्रॉस हो रहा है इससे, दैट मींस दिस इज द वर्स्ट प्लेयर, और यहाँ पे कौन आ गया, वो खुद लक्ष्मी आ गई है,
दैट मीन्स ही इज द ब्रेस्ट प्लेयर. ही इज द वर्स्ट प्लेयर. अब आगे क्या दिया हुआ है, द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर इन द सेम साइड ऑफ द नेट. अब यहां पे एक और बात कह रहे हो, हां जी सेम साइड ऑफ द नेट. हर डॉटर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर ऑफ प्लेयर्स सिबलिंग. द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट. वर्स्ट प्लेयर और बेस्ट प्लेयर जो है वो क्या है, सेम साइड में है, सेम साइड में है. ठीक है. अब यहाँ पे उसने एक और बात कही है कि जो सिबलिंग्स है वो दोनों क्या है, एक साइड में है. तो अब अगर हमारे जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स कौन कौन हो सकते हैं, या तो उसकी डॉटर और उसका सन, क्लियर है, या फिर खुद लक्ष्मी और उसका ब्रदर. अब यहाँ पे देखिए कि लक्ष्मी और यहाँ पे जो है लक्ष्मी का ब्रदर, यहाँ पे लक्ष्मी और लक्ष्मी का सन, सॉरी लक्ष्मी का ब्रदर और सन, दैट मीन्स दीज आर नॉट सिबलिंग्स. क्लियर. तो ये वाला जो केस है ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि हर सन इज डायगोनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द ब्रेस्ट प्लेयर्स सिबलिंग. ठीक है. अब यहाँ कह रहे हैं द बेस्ट प्लेयर एंड ब्रेस्ट प्लेयर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट. सेम साइड ऑफ द नेट दैट मीन्स कि ये वाला तो आपका कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे ये जो है ये कौन हो गया, बेस्ट प्लेयर, क्योंकि दोनों नेट के सेम साइड में है. और आपके जो क्वेश्चन आगे क्या है, हु इज द बेस्ट प्लेयर, सो द बेस्ट प्लेयर इज लक्ष्मीज ब्रदर. तो आपका जो आंसर आ गया क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट, हर ब्रदर. क्लियर. तो स्टूडेंट्स ये हमारे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे ये हमने आज डिस्कस किए हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं. जो आपका रीजनिंग है वो आज डिस्कस हो गया पार्ट सेकंड में. एंड इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस द ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस, लाइक आपकी DIs आ जाएंगी या ग्राफिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हम थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच.